खैबर पख्तूनख्वा और दीगर काबिल कदर मुंतखिब अराकीन असेंबली व पार्लियामेंट, आज दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं उस अजीम लीडर को अकीदत का सलाम पेश करता हूं और अपनी मजबूरी का इजहार मेरे डीआई खान के गैरतमंदों अपनी मजबूरी का इजहार भी करता हूं कि आज नवंबर 2022 की तकरीर मैं नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि जहां एक तरफ इमरान खान के बहादुर सिपाही अली अमीन खान गंडापुर को मुल्क के अंदरूनी मसाइल से मुल्क के बैरूनी मसाइल से निपटना है, वहां सबसे बड़ा काम उसके लिए मेरे और आपके प्यारे रहनुमा इमरान खान कैदी नंबर 8 को रिहा 804 को रिहा करना है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ मानसिरा के उन गयूर लोगों का डीआई खान के इन बहादुर लोगों को सलाम पेश करने के लिए आया हूं जिन्होंने इमरान खान के सबसे बड़े कौमी मुजरम नवाज शरीफ की सियासत को हमेशा के लिए दफन किया। और आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूं। आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूं कि आपके वोट से इमरान खान का बहादुर सिपाही और ये सारी क्यादत जो केपीके की यहां पे बैठी हुई है, आपने इनको मुंतखिब किया, इसलिए मानसिरा के लोग आपको अकीदत का सलाम पेश करते हैं। मेरे दोस्तों, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनके हाथ में मैंने और आपने, इस मुल्क के लोगों ने, टैक्स पेयर लोगों ने बंदूक थमाई है कि खुदा का वास्ता है, इमरान खान जैसे बहादुर लीडर को जाया न करो जो पाकिस्तान को इकट्ठा करता है, जो पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की तौकीर है। मुझे यकीन है कि ये नौ भाई का वाकिया न हमने किया, न इमरान खान ने किया, न उसके इन सिपाहियों ने किया और न आप वर्कर ने किया। जिसने भी किया, हम बताना चाहते हैं ये हमारे खिलाफ हुआ है, इसलिए कि तशद्दुद की जो लहर हमारे लीडरों पर, हमारी बहनों पर, हमारी बेटियों पर, हमारे घरों को जिस तरीके से रौंदा गया, इसलिए आओ बैठकर अपने उस अजीम लीडर जो आपकी भी इज्जत है, आओ उस बहादुर लीडर को जो तेरा भी लीडर है, मेरा भी लीडर है और कैदी 804 को बाइज्जत रिहा करो, उसकी इज्जत वाली अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जिन लोगों ने
गठिया केस लेके आए। मैं समझता हूं और सख्त बात कर रहा हूं कि मेरा यह ख्याल है कि उनकी अपनी कोई मां बहन और बेटी नहीं, वरना वो कभी भी ऐसा इद्दत का जलील तरीन केस जो है अदालत के अंदर न लेके आते। लेकिन मैंने पहले कहा था कि जब मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था तो उस वक्त मेरी जान से भी ज्यादा अजीज इमरान खान मेरे साथ होता था। आज उसके बहादुर सिपाही वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर की कियादत में हम इस सफर को तय कर रहे हैं। किस्म किस्म के मिसाइल हैं, मुश्किलात हैं, इसलिए कि ताकतवरों ने मुल्क के मुजरमों को फार्म 47 के जरिए इस मुल्क की कियादत दे दी, जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए आज भी मुझ में गुस्सा नहीं, बदला नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतना कह रहा हूं उन लोगों को जिन्होंने हमने बंदूक पकड़ाई है कि खुदारा अपनी और हमारी इज्जत इस पाकिस्तान से, इसी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और इस पाकिस्तान को ऊपर उठाने के लिए इसकी मईशत, इसकी माशरत, इसके समाजी असलूब, अखुव्वत और प्यार इमरान खान के नाम से मंसूब है। इसलिए आओ हम मिल बैठकर इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कानून और आईन की पाबंदी करें। हमारा एक ही मुतालबा है कि कानून आईन सारे जजेस के लिए, सारे जर्नेलों के लिए, सारे सियासी रहनुमाओं के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ताजर के लिए, सियासतदानों के लिए यकसा होना चाहिए, जिससे मेरा और आपका पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।